प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट करने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी और मैथ का असेसमेंट हमने बना दिया है। वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है। इधर वाले बच्चों कैपिटल लेटर है, बड़ी ABCD, और इधर वाले स्मॉल लेटर है, छोटी ABCD। तो आपको मैच करना है। ये कैपिटल डी है, तो स्मॉल कैसा होता है? स्मॉल होता है बच्चों ऐसा, और एफ एफ होता है बच्चों स्मॉल ऐसा, कैपिटल ऐसा। जी बच्चों होता है इस तरह से, और एम होता है स्मॉल ये, और आर होता है स्मॉल स्मॉल ये वाला। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो इनके बच्चों आपको मिसिंग लेटर बीच में लिखने हैं कि ABCD करनी है, स्मॉल लेटर कंप्लीट करने हैं। ए ए के बाद आता है बच्चों बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद डी, डी के बाद आता है ई, फिर होता है बच्चों एफ जी एच आई जे के एल, फिर आता है बच्चों एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये स्मॉल लेटर है सारे। तो ये आपको मिसिंग जो लेटर थे अल्फाबेट थे वो कंप्लीट करने थे। थर्ड क्वेश्चन है, काउंट द बॉल बॉल्स एंड मैच विद द नंबर नेम। यहाँ पर बॉल्स को आपको काउंट करना है, फिर इधर नंबर नेम उनके साथ मैच करना है। 1 2 3 4 5, तो 5 कहाँ है? 5 बच्चों ये रहा, इधर मैच करना है। 1 2 3, 3 आपको ढूंढना है, सर्च करना है, ये 3 है। 1 1 1 2 1 2 3 4, तो ये 1 2 5 नंबर नेम थे। तो बॉल्स को आपको काउंट करना था और फिर मैच करना था। नेक्स्ट है बच्चों, राइट दीज वर्ड इन स्मॉल लेटर। आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, छोटी ABCD में। कैमल लिखा हुआ है तो हम स्नेक लिखेंगे, SNAKE स्नेक, और बच्चों GOAT गॉट। ये बच्चों पिजन, PIGEON, पिजन कबूतर होता है। तो इसको आपको सबको स्मॉल लेटर में लिखना है, मंकी MONKEY मंकी, HORSE हॉर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर विद इट्स करेक्ट नेमिंग वर्ड एंड री राइट इन द गिवन स्पेस। तो बच्चों आपको पिक्चर देखनी है और इसका नाम लिखना है कि इसका सही नाम क्या है, पेन है, फैन है या बैग है। बच्चों इसका जो करेक्ट नेम है वो है पेन, PEN पेन। तो आपको यहाँ रीराइट करना है, दोबारा लिखना है PEN पेन, और ये बच्चों HEN हैन मुर्गी, तो हैन ये है, आपको यहाँ रीराइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वावल। इसमें आपको वावल फिल करने हैं, तो वावल कौन से होते हैं? AEIOU, ये 5 वावल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ फिल करना है कि कौन सा वावल कौन से फिलअप में आएगा। ठीक है, ये है FAN फैन, तो इसमें कौन सा वावल आ गया? ये है बच्चों फिश, फिश में FISH आएगा, आई भी वावल है। S ये वाला सन है बच्चों, सूरज वाला, SUN सन। तो हम इनमें देखो वावल फिल कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने 5 वावल्स लिखाए इनमें से सही करके आपको छांट के लिखना है। FAT फैट, फैट होता है मोटा। FIT फिट, फिट होता है बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। और ये है SON सन, सन मतलब बेटा। तो ये वावल फिल करने थे। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट इट्स नेम। आपको बॉडी पार्ट दे रखे हैं, पिक्चर दे रखे हैं, इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हैंड, HAND हैंड, LEG लेग, और ये है बच्चों ईयर, और ये है आईज, आई है बच्चों, एक है तो आई आएगा, अगर दो होती तो आईज हो जाता, और ईयर भी एक है इसलिए ईयर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द फ्लावर। फ्लावर नीचे फ्लावर बना हुआ है बच्चों ये वाला, इसमें आपको ये पिक्चर देखनी है और इसमें जो मिसिंग लेटर है वो फिल करने। ये बच्चों फिश है, अब फिश कहाँ लिखा हुआ है? फिश सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, और ये CAT कैट है, सी लिखा हुआ था, एट आपको लिखना है। ये बच्चों MAN मैन है, वो मैंने फ्लावर में फिल कर दिए है, और ये बुक है बच्चों, ये स्कूल है, सबकी स्पेलिंग फ्लावर में फिल है, और लास्ट में बच्चों ये है ट्री, TREE। सब में देखो बच्चों फ्लावर में हर स्पेलिंग लिखी हुई है।
नेक्स्ट है बच्चों, चूज थ्री लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो आपको नीचे बच्चों थ्री लेटर वर्ड्स सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, और नीचे फिर आपको लिखना है जो स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो सी ए पी कैप, ये थ्री लेटर वर्ड है, 1 2 3। और है बच्चों फैन, एफ ए एन फैन, और बी ए टी बैट, ये तो हो गए थ्री लेटर वाले आपको। ठीक है, अब गोट फोर लेटर्स के है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ई वाई ई ये थर्ड लेटर का है, एंट ए एन टी एंट ये भी थ्री लेटर का है, एच यू टी हट, ओनली थ्री लेटर वाले आपको काउंट करना है, 1 2 3। और ये है बच्चों हट, हट के बाद डियर फोर लेटर का है, लोक फोर लेटर का, जीप भी फोर लेटर का, नोज भी फोर लेटर का, आइस आई सी ई आई, ये है बच्चों आउल ओ डब्ल्यू एल आउल। और ये है बच्चों पेन थ्री लेटर का है, पी ई एन पेन। और नेक्स्ट है बच्चों की के ई वाई की, ये बच्चों थ्री लेटर्स वर्ड थे जो हमने ऊपर से चूज किए, बाकी फोर लेटर्स के हैं जो हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए एन, ए एन यूज करना है आपको। तो बच्चों फैन, फैन में आएगा ए, ओल्ड मैन में आएगा ए एन, और इरेजर में आएगा बच्चों ए एन, अम्ब्रेला में भी आएगा ए एन। तो बच्चों इसकी जो फर्स्ट लेटर है इसकी आपको साइन साउंड देखनी होती है, अगर ये बोलने में अ से अह तक की साउंड में आ रहे हैं अनाराम आता है आपको, अगर आपकी स्पेलिंग इनमें से किसी में है तो ए एन यूज होगा, अगर क से ज्ञ तक की साउंड आएगी तो फिर आप बच्चों ए आएगा। जैसे यहाँ पे फैन, फैन में फो आ रहा है ना, फो कैसे ज्ञ तक के बीच में आता है इसलिए ए लगाया है, और ओ ओ अनार में आता है ना, अनार से अह तक में आता है इसलिए एन लगाया है, इरेजर में भी ई आता है, ई अ अ आ ई आता है ना इसलिए यहाँ भी एन लगेगा, अम्ब्रेला में अ आता है इसलिए एन लगेगा, अब बच्चों एप्पल है एप्पल में अ आता है इसलिए यहाँ क्या लगेगा एन। तो आपको साउंड देखनी है स्पेलिंग के, फिलअप के जो बाद वाली स्पेलिंग होती है उसका फर्स्ट लेटर देखना है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, अगर वो अ से अह तक में आ रहा है तो ए एन यूज होगा, अगर क से ग तक की साउंड आ रही है तो ए आएगा। ठीक है, बुक, बुक में बो आ रहा है, बो कैसे ग के बीच में आता है इसलिए ए आएगा, पेन में प कैसे ग तक के बीच में है इसलिए अ आएगा, और आइसक्रीम में आई आया है इसलिए यहाँ पे ए एन यूज होगा। ठीक है, अगला बच्चों 11th क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग लेटर। तो यहाँ मिसिंग लेटर वो फिल करना, ए के बाद क्या आता है, ए और बी, सी के बीच में क्या आता है बच्चों, बी आता है, एच और जे के बीच में आई आता है एच आई, एम और ओ के बीच में एन आता है एम एन ओ, और आर और टी के बीच में एस आता है आर एस टी, ये होता है। तो मिसिंग लेटर पढ़ना है, अब मैच द फॉलोइंग, नीचे मैच कीजिए, स्पेलिंग दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, उनके नेम आपको सामने मैच करना है, फिश फिश होती है ये, काइट होता है ये, और बॉल होती है ये। 13th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूज दिस दैट। तो जो चीज पास में होती है उसके लिए दिस यूज करते हैं, जो हमसे दूर होती है उसमें दैट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉट है, पॉट ये हैंड के साथ में है इसलिए यहाँ पर आएगा दिस, जो पिक्चर इस साइड है वहां दिस यूज होगा, और जो इधर है वो दैट यूज होगा, जो हमारे हैंड से ज्यादा दूर होगी उसके लिए दैट यूज करेंगे, जो हमारे हैंड के नजदीक होगी उसमें दिस यूज करेंगे, दिस इज अ पॉट। अब देखो हैंड यहाँ है और पेन इतनी दूर है तो क्या यूज करेंगे, दैट, दैट इज अ पेन। अब बच्चा बॉल है, बॉल हैंड के नजदीक है, पास में है इसलिए यहाँ यूज करेंगे दिस बॉल इज माइंड, यह बॉल मेरी है। अब नीचे बच्चों आपको प्लूरल लिखने हैं, ठीक है, ये सिंगुलर दे रखे, इधर प्लूरल होता है बहुवचन एक से ज्यादा, तो की का आ जाएगा बच्चों की चाबियां, चेयर का चेयर्स हो जाएगा एस लग जाएगा, बुश का बच्चों ई एस लग जाएगा, तो वो बच्चों जिस स्पेलिंग के पीछे एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ ये होता है उसके लास्ट में क्या लग जाता है बच्चों, ई एस लग जाता है। ठीक है, और जिसके पीछे लास्ट में वाई होता है तो वाई हटके आई ई एस हो जाता है। ठीक है, और जिसके पीछे एफ होता है एफ हटके वी ई एस हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बुश है यानी एस एच है, एस एच ऊपर आया तो आप क्या लगाओगे, लास्ट में ई एस लगा दोगे, पोटैटो में लास्ट में ओ है ई एस लग जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। ठीक है, पी ओ टी ए टी ओ ई एस पोटैटोज हो जाएगा, स्टोरी, स्टोरी में लास्ट में वाई है तो वाई हटके क्या हो जाएगा, आई ई एस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टोरीज, ब्रांचेज लास्ट में सी एच है, सी एच है तो ई एस लगेगा। अब लीफ है, लीफ में लास्ट में एफ है,
एफ है तो क्या लग जाएगा, एफ हट जाएगा और वी ई एस लग जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है लीव्स। ठीक है, ये लीव्स। अब बच्चों बॉक्स है, एक्स है और एक्स के पीछे बताया क्या लग जाएगा, ई एस, बॉक्सेज हो जाएगा। रीराइट द सेंटेंस प्रॉपरली। तो बच्चों ये जो सेंटेंस लिखा है हमें उसको सीधा करके सही करके लिखना है। तो बच्चों आई होता है वो कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है, तो आई आपको तो ऊपर की 3 लाइन में कैपिटल में लिखना है, लीव, आई लीव। जो एल है वो ऊपर की 3 लाइनों में आता है, ठीक है, आई लीव इन, बीच की 2 लाइनों में आते हैं आई एन, और राजस्थान का जो आर है वो कैपिटल हो जाएगा, राजस्थान बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है राजस्थान, रीराइट करके लिख दिया, आप इस तरह से लिखिएगा। अब आइडेंटिफाई एंड सर्कल द वावल इन द गिवन पिक्चर। यहाँ आपको उस वावल ढूंढना है, वावल बच्चों मैंने ऊपर भी सिखाया कौन से होते हैं, 5 वावल होते हैं, ए आई ओ यू, ये 5 वावल आपको इसमें ढूंढने हैं। सर्कल का है ए हो गया बच्चों, ई हो गया और है बच्चों आई ओ यू। अगर आपको मुझे बच्चों इतने वावल दिख रहे, अगर में से अगर नहीं दिखाई दे रहा, कोई समझ में नहीं आए, तो आप एक बार दोबारा इसको सर्च करिएगा कि कहीं हमारा वावल मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ के देख लीजिएगा इस तरह से, ए बी सी जी जे एच के क्यू एम एन डी एफ, तो जितने वावल थे ए ई आई ओ यू हमने सर्च कर लिया, सर्कल भी लगा दिया। ठीक है, आपको 2 बार 3 बार देखना है क्योंकि कई बार मिस हो जाता है और हमें नजर नहीं पड़ती है। अगला बच्चे टिक। अब आपको राइट का निशान लगाना है जो डोमेस्टिक एनिमल है, और क्रॉस का साइन लगाना है जो वाइल्ड एनिमल है। जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं बच्चों वो पालतू होते हैं, जिनको हम घर में पालते हैं, और वाइल्ड होते हैं जंगली, जो जंगल में रहते हैं। तो आपको जो पालतू है उनके आगे तो टिक लगाना है, जो वाइल्ड एनिमल है उनके आगे क्रॉस। अब लायन क्या है, वाइल्ड एनिमल है, इसके लिए क्या लगेगा, क्रॉस। ठीक है, इधर काऊ, काऊ है डोमेस्टिक एनिमल, हम घर में पालते हैं। कैमल भी बच्चों डोमेस्टिक एनिमल है, और ये बच्चों है बियर, बियर वाइल्ड एनिमल है, रैबिट भी वाइल्ड एनिमल है, और बच्चों गोट है डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट है बच्चों राइट फॉलोइंग लेटर इन प्रॉपर लाइंस। तो आपको ये स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आपको प्रॉपर लाइन में लिखना है कि किस तरह लिखा जाता है। जो बच्चों ये आपको ऊपर वाली लाइन दे रखी है, ये सभी ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बी, बी ऊपर की लाइन जाएगी और फिर ये जो इस तरह से लिखा जाएगा, डी, डी यू लिखा जाएगा ऊपर की 3 लाइनों में, एफ, एफ बी इस तरह से लिखा जाएगा, एच, एच बी इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और के, जो ये लाइन है ऊपर डंडा है वो 3 लाइनों में आएगा, एल, और ये बच्चों ठीक, ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। तो ये सेकंड लाइन आपका होमवर्क है, आप करिएगा जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से आप भी लिख दीजिएगा। ये बच्चों जो है ये स्मॉल लेटर है, ये बीच की सेंटर वाली लाइन में आएगी, ए सी ई आई एम एन ओ। ठीक है, ये बीच की लाइनों में आएंगे 2 में, और इसको आप क्या करोगे, ये आपका होमवर्क है, आप भी इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, ये भी बच्चों बीच की 2 लाइनों में आएगा, सेंटर में, आर एस यू, तो स्मॉल लेटर में आर इस तरह से लिखा जाता है, वी डब्ल्यू एक्स जेड। ठीक है, तो एक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बाकी लाइन आपकी होमवर्क है। जी, और ये जो लेटर है बच्चों ये नीचे की 3 लाइनों में आएंगे। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करोगे, यहां से करोगे जी, और ये नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाएगा, फर्स्ट लाइन छोड़ के नीचे की, और जे
ये भी नीचे की तीन लाइनों में, पी बच्चों लास्ट तक जाएगा, ठीक है, या यूं भी लिख सकते हो, क्यू क्यू भी नीचे की तीन लाइनों में और वाई भी नीचे की तीन लाइनों में। तो इस तरह से आपको ये स्मॉल लेटर लिखने हैं, एक एक लाइन आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच द नंबर विद देयर नंबर नेम, तो ये वन है तो आपको इनके नंबर नेम के साथ मैच करना है, वन। ये है बच्चों फाइव, तो फाइव आपको मैच करना है, टू, एट और टेन। अगला क्वेश्चन, लुक द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, तो इन पिक्चर देख के इनके नेम लिखने हैं बच्चों। ट्री की पिक्चर है तो टी आर डबल ई ट्री हो जाएगा, और ये गर्ल है, जी आई आर एल गर्ल, स्पेलिंग। तो इस तरह से आपका असेसमेंट, इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट हो रहा है बच्चों कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। जो आपका बुक्स का काम है, चैप्टर है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, ईवीएस, हिंदी, मैथ, सब बुक के चैप्टर की भी हमने वीडियो बनाई हुई है, सॉल्यूशन भी दिए हुए उनके, तो आप वीडियो भी देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।